दोस्तों नमस्कार। चैम कैश के जरिए आप लोग स्नैपडील से किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं और किस तरह से अपनी इनकम को स्नैपडील से शॉपिंग करते करते बढ़ा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना चैम कैश अकाउंट ओपन करना है, उसके अंदर शॉप एंड अर्न में जाना है। शॉप एंड अर्न के बाद आपको स्नैपडील पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्नैपडील पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर लेफ्ट साइड में वीडियो का ऑप्शन है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी पर स्नैपडील कितनी कमीशन देता है, तो आप यहाँ कमीशन चार्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, स्नैपडील का जो ऑफर दिया गया है, ये ऐप ओनली के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप स्नैपडील को एप्लीकेशन के थ्रू जो भी शॉपिंग करते हो, उसी पर आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्नैपडील की वेबसाइट से जाकर शॉपिंग करते हो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारे फोन में स्नैपडील एप्लीकेशन नहीं है, तो प्ले स्टोर पर जाके स्नैपडील एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मेरे फोन में इस वक्त स्नैपडील एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता हूँ, और अगर मैं शॉप एंड अर्न विद स्नैपडील पर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे प्ले स्टोर पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा। पर अगर किसी कारणवश आप प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट नहीं होते, आप इस तरह से ब्राउजर में आके फंस जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपको क्या करना है, आपको या तो यहाँ पे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो स्नैपडील की ऐप आ जाएगी, नहीं तो इसको कट करके प्ले स्टोर में जाके स्नैपडील को मैनुअली आप लोग इंस्टॉल कीजिएगा। देखिए, मैंने डाउनलोड नाउ पर क्लिक किया तो मैं स्नैपडील की एप्लीकेशन में पहुंच गया और मैं इस एप्लीकेशन को अब अपने फोन में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे फोन में स्नैपडील की एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो चुकी है, पर मैं इसको यहाँ से ओपन नहीं करूंगा। मैं दोबारा से चैम्पकैश की एप्लीकेशन में जाऊंगा और चैम्पकैश को ओपन करूंगा। वहां से दोबारा मैं शॉप एंड अर्न विद स्नैपडील पर जाऊंगा। उससे पहले, शॉपिंग करने से पहले, यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप लोगों को उसका खास ध्यान रखना है। अगर आप लोग इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको शॉपिंग में जो कमीशन आती है वो सही से नहीं आएगी। मैं शॉप एंड अर्न विद स्नैपडील पर दोबारा से क्लिक करूंगा। देखिए, जैसे कि स्नैपडील की एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की, तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया कि ओपन यूजिंग स्नैपडील या ब्राउजर। तो यहाँ पर आपको स्नैपडील का यूज करना है और इसको जस्ट वंस या ऑलवेज भी कर सकते हैं। अब लिंक सीधा सीधा स्नैपडील की एप्लीकेशन में खुल चुका है। आप स्नैपडील की एप्लीकेशन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, उसको आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ सर्च बार में जाके, या उसको आप चूज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ भी खरीदना है, तो मैं उसको यहाँ पे टाइप करूँ। मान लीजिए मैं यूएसबी डाटा केबल मंगवाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया और ये सभी यूएसबी डाटा केबल्स आ चुकी है मेरे सामने। अब मैं इनमें से कोई भी यूएसबी डाटा केबल चूज कर लेता हूँ जो मुझे बाय करनी है। उसके बाद ये मेरे एरिया का पिन कोड पूछेगा, मैं अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। डन जी। इसके बाद अगर मुझे और कुछ भी खरीदना है, तो मैं यहाँ पर इस आइटम को ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप दोबारा से यहाँ सर्च में जाके और आइटम भी खरीद सकते हैं, और जितनी भी आइटम्स आपको एक बार में खरीदनी है वो ऐड टू कार्ट आप करते जाइए। देखिए, इस चीज का भी खास ध्यान रखिएगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी शॉपिंग हो जाए और बीच में इंटरनेट कनेक्शन बंद ना हो, नहीं तो चैम्प कैश का जो ट्रैकिंग होती है वो स्नैपडील के साथ टूट जाती है और कई बार कमीशन ना मिलने की शिकायतें आती है। तो अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए बाय नाउ पर क्लिक करूंगा। ये पूरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पर, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब ये मेरा ईमेल एड्रेस मांग रहा है। अगर मैंने साइन अप नहीं किया हुआ, तो मैं फेसबुक आईडी या गूगल आईडी से भी साइन अप कर सकता हूँ। तो मैं गूगल आईडी से साइन अप कर रहा हूँ और मैंने गूगल पर क्लिक कर दिया है और अपना अकाउंट चूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये मेरा मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा। अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद अब दोबारा से स्क्रीन आ जाएगी, इससे मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। इससे अगली स्क्रीन पर ही आपसे आपका जो भी जिस एड्रेस पर आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है, आपको वो एड्रेस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना।
देखिए इस प्रोडक्ट की पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी से भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप अपने डेबिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना जो एटीएम कार्ड है, जो मेरा डेबिट कार्ड है, मैंने यहाँ सेव किया हुआ है और मैं उस डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर रहा हूँ। अब ये पेमेंट के लिए मुझे पेमेंट वेबसाइट पर ले जाएगा और विद इन अ 1 मिनट मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। लीजिए दोस्तों, मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और सिर्फ मुझे 5 मिनट लगे पूरी शॉपिंग करने में, और जो इसकी कमीशन है चैम्पकैश के आपके वॉलेट में 72 घंटे के बाद आपको शो करेगी जो भी आपने शॉपिंग की है। दोस्तों हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना है कि बीच में जब भी अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं उस वक्त हमारी डिसकनेक्शन ना हो इंटरनेट का। दूसरा, हमारे फोन में स्नैपडील की एप्लीकेशन होनी जरूरी है। तीसरा, अगर आप वाईफाई से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मोबाइल डाटा से अगर कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं ज्यादा कमीशन आने के, ज्यादा टाइम कमीशन आने के। कई बार वाईफाई से सेम आईपी होने के कारण कमीशन ट्रैक नहीं हो पाती जैमकैश में। अगली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको शॉप एंड अर्न विद स्नैपडील पर क्लिक करके हर बार ब्राउजर में ही लिंक ओपन होता है, स्नैपडील के एप्लीकेशन में लिंक ओपन नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा? आपको या तो अपने फोन का कैशे को क्लियर करना होगा और अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। उसके बाद दोबारा आप चैम्पकैश खोलिए, शॉप एंड अर्न विद स्नैपडील पर क्लिक करिए, तो आप दोबारा से जो है स्नैपडील की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ही आपके फोन में ओपन हो जाएगी। फिर भी नहीं होता है तो कोई और नया ब्राउजर इंस्टॉल कीजिए, जैसे कि ओपेरा, क्रोम, ठीक है। यूसी ब्राउजर मत कीजिएगा बिल्कुल भी, यूसी ब्राउजर से कमीशन ट्रैक नहीं होती, उनका अपना आईपी एड्रेस होता है इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि स्नैपडील के ऑफर के साथ आप खुद भी लाखों कमाएंगे और अपनी टीम को भी मोटिवेट करेंगे कि वो खुद भी अर्निंग करे और आपकी भी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। धन्यवाद दोस्तों।